कैसा है बेहाल मिर्जापुर, कितना है बदहाल मिर्जापुर, तिल तिल कर टूट रहा है उल्टी चलता चाल मिर्जापुर, गांवों से भी जर्जर सड़कें, गड्ढों से घायल हो तड़पें, जगह जगह मिट्टी भी ढेरी, हाय रे किस्मत अंधेरी, कैसा है बेहाल मिर्जापुर, कितना है बदहाल मिर्जापुर। जर्जर सड़कें, ध्वस्त बिजली, तारों के मकड़ जाल से घिरी तंग गलियां, दूषित पानी व बदहाल शिक्षा व्यवस्था मिर्जापुर शहर की वर्तमान स्थिति बयां करती हैं। विंध्याचल देवी का मंदिर, बाबा कंतित शरीफ की मजार इस शहर की पहचान है। भारत की आजादी के बाद उत्तर प्रदेश में स्थित मिर्जापुर शहर, जो विकास के लिए आज भी नेताओं के मुख ताक रहा है। मिर्जापुर शहर कभी राजाओं का शहर हुआ करता था। इतिहास के सुनहरे पन्नों में आज भी ये शहर अपना नाम दर्ज कराता है। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य की छटा देखने योग्य होती है, पर अफसोस यहाँ की व्यवस्था इतनी दयनीय है कि सैलानी आने से परहेज करते हैं। मनिगढ़ा के लिए सिर्फ 80 किलोमीटर के लिए सिर्फ एक बस चलाई गई है, जो बस इस समय वो भी बंद कर दी गई है। हम लोग ARM साहब से मिले हैं तो उनका कहना ये है कि हमारे पास बस नहीं है, और कल हम उनसे गए बात करने तो कहने लगे कि हमारे पास बस नहीं। हम कहे सर आप बनारस से गाड़ी हटा दीजिए या फिर इलाहाबाद से गाड़ी हटा दीजिए, जहाँ पे आपके लिए 20 गाड़ियाँ हैं। बनारस के लिए जो है चंदौली डिपो से गाड़ी जा रही है, विंध्याचल डिपो से गाड़ी जा रही है, और मनिगढ़ा के लिए सिर्फ एक बस है, सिंगल रूट की बस, उसे आप क्यों हटा रहे हैं। उनका कहना यह है कि हमारे पास बस नहीं है, बस नहीं देंगे, आप जाकर के DM से मिलिए। अब बताइए हम लोग क्या करें इसके लिए। जिसका पूरा असर जीवन यापन कर रहे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर दिखाई पड़ता है। शहर की स्थिति बद से बदतर है। मिर्जापुर शहर कभी पीतल व कारपेट उद्योग के लिए विश्व विख्यात था, लेकिन आज के समय में ये उद्योग अनदेखी की भेंट चढ़ गया। मजदूर आज शहर से पलायन करने को विवश हैं। उन्हें रोजगार के लिए अन्य शहरों की ओर जाना पड़ रहा है। इस शहर ने कई नेताओं को जन्म दिया, वो मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने और गृह मंत्री बने, लेकिन मिर्जापुर जस का तस रहा। किसी तरह का भी विकास नहीं किया गया, ना ही शिक्षा व्यवस्था पर कोई ध्यान रखा और ना ही युवाओं के रोजगार पर। इस लचर प्रशासन से त्रस्त जनता अब एक ऐसे नेता को सत्ता में लाना चाहती है जो उनके बीच में व्याप्त बदहाली को दूर करे और उनके दुख सुख में शरीक हो। इन्हीं गम की घटाओं से खुशी का चांद निकलेगा, अंधेरी रात के पर्दे में दिन की रोशनी भी है। समाज सेवा की भावना, लोगों के दुख सुख में शामिल होने वाले व्यक्तित्व एवं कुछ कर गुजरने की सोच के साथ एक ऐसी शख्सियत मिर्जापुर की सरजमी पर कदम रखने जा रही है, जिन्हें हर एक इंसान दिल में बसाता है। वो कोई और नहीं, मिर्जापुर शहर के चहेते और जमीनी नेता मोहम्मद परवेज खान हैं। स्वच्छ व्यक्तित्व के धनी मोहम्मद परवेज खान मिर्जापुर शहर को विकास के पथ की ओर ले जाना चाहते हैं। आजादी के बाद से ये शहर केवल नेताओं की कूटनीति का शिकार हुआ। भोली भाली जनता के लिए कुछ कर दिखाने की सोच और बहन जी के आशीर्वाद के साथ परवेज खान मिर्जापुर नगर विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए बहन कुमारी मायावती जी के साथ जुटने में मुझे आज बेहद खुशी है। बहुजन समाज पार्टी के साथ पॉलिटिक्स करने में मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जो है वो दलितों गरीबों पिछड़ों की बात करती है, और उनका एक मोटो है कि कैसे समाज के अंदर असमानता खत्म की जाए।
परवेज खान का जन्म मिर्जापुर के 96 ब्लॉक के जरेला गांव में हुआ। मोहम्मद परवेज जन्म से ही आशावादी और कर्म प्रधान रहे हैं। इन्होंने कम उम्र से ही समाज सेवा से जुड़े कार्यों में भाग लिया। घर के बड़े होने के कारण मोहम्मद परवेज के कंधों पर ही सारी जिम्मेदारी आ गई। अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कम उम्र में ही वो व्यवसाय से जुड़ गए। इन्होंने सबसे पहले 96 के जरेला गांव में स्टेबलाइजर बनाने का व्यवसाय प्रारंभ किया। मिर्जापुर शहर में उस दशक में स्टेबलाइजर के ये इकलौते विक्रेता थे। साथ ही अपनी कड़ी मेहनत से मिर्जापुर जनपद में मोहम्मद परवेज ने कारपेट के व्यवसाय में धाक जमाई। ये केवल भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिकी और यूरोपीय देशों में अपने कारपेट के कारीगरी के लिए जाने जाते हैं। 1992 ईस्वी में इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेबलाइजर के व्यापार में बेस्ट उद्योगपति के सम्मान से नवाजा गया। ये रोटरी क्लब से 15 वर्ष से अधिक जुड़े रहे और अध्यक्ष भी बने। मोहम्मद परवेज खान LIC के एडवाइजरी कमेटी के मेंबर और कोऑपरेटिव बैंक के निदेशक के पद पर भी सुशोभित हुए एवं गुडवीव USA के इंडिया में निदेशक हैं। वर्तमान में इनकी दो फर्म हैं, जिसके ये खुद मालिक हैं। एक पीतल उद्योग, दूसरा कारपेट उद्योग। दरी, जो फ्लैट विद दरी होती है, वो खास तौर से मिर्जापुर के लिए, मिर्जापुर में बहुत फेमस रही। लेकिन आज दोनों उद्योग वो बिल्कुल मरणासन्न है। पीतल उद्योग दिन पे दिन अपनी पहचान, जो मिर्जापुर की जो पहचान थी, जो हिंदुस्तान के अंदर एक पहचान थी, उसको खोता हुआ नजर आ रहा है। कारपेट उद्योग धीरे धीरे खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको बताऊं कि कुछ साल पहले कारपेट क्लस्टर मिर्जापुर में पास हुआ, आज तक वो उसकी जमीन नहीं मिल पाई, वो धरातल पे नहीं आ पाया। पीतल उद्योग के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी पहल नहीं हुई जिससे लगे कि हाँ, इस इंडस्ट्री को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे इसकी पहचान बनाई जाए। जबकि आप देखें, मुरादाबाद में जो मुरादाबादी बर्तन है वो दिन पे दिन आगे बढ़ रहा है, तमाम एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। लेकिन मिर्जापुर का जो उद्योग धंधा है वो दिन पे दिन गर्त में जा रहा है। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। सर, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चिकित्सा, शिक्षा, पानी, रोड, बिजली, इनमें तो कोई प्रगति नहीं दिख रही मिर्जापुर में। नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा कि मिर्जापुर में न सड़क है। आप तो देख लीजिए कि सड़कों की हालत क्या है। जो आदमी सफर आधे घंटे में पूरा करना चाहिए, उसे दो दो घंटे लगते हैं। गाड़ियों की बुरा हाल है, गाड़ियों के साथ साथ जो उसमें सफर करने वाले लोग हैं उनका बुरा हाल है। मिर्जापुर कोई आना नहीं चाहता। सड़क नहीं है, बिजली का आलम यह है कि बिजली नहीं है यहाँ पे। पता नहीं 17-18 घंटे लाइट आते हैं, कितने उसमें आते हैं कुछ पता ही नहीं चलता कि कब लाइट आएगी कब नहीं। कोई रोस्टिंग, कोई इनका कोई सिस्टम नहीं है। शिक्षा के नाम पे यहाँ शिक्षा मंत्री हुआ करते हैं। आज अगर देखा जाए, कॉन्वेंट स्कूल ना हो तो बच्चे यहाँ अनपढ़ रह जाए। जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, जो प्राइमरी पाठशाला स्कूल हैं, उसमें पढ़ाई नहीं होती, उसमें सिर्फ खिचड़ी खिलाई जा रही है। शिक्षा के नाम पे हम दिन दिन पीछे जा रहे हैं। उसके अलावा स्वास्थ्य के नाम पे कुछ नहीं है यहाँ पे। अगर किसी को सर में चोट आ जाए तो यहाँ मिर्जापुर में कोई इंतजाम नहीं, या तो बनारस जाए, इलाहाबाद जाए। इनकी कड़ी मेहनत आज इन्हें बुलंदियों पर लाई है। इनकी काबिलियत इनके व्यक्तित्व को जनता के बीच कर्मठ बनाती है। हजारों लोगों को इन्होंने रोजगार प्रदान करने का बीड़ा उठा रखा है। राजनीति में कदम रखने का इनका मुख्य उद्देश्य ये है कि मिर्जापुर शहर को विकास की ओर ले जाना चाहते हैं और पुनः व्यवसाय के क्षेत्र में रोजगार और शिक्षा को प्रमुखता देते हुए शिखर पर पहुंचाना चाहते हैं। गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखते हुए मोहम्मद परवेज हर एक हिंदू मुस्लिम भाइयों के बीच रहते हैं और उनके दुख सुख में शरीक होते हैं, चाहे वो भारत मिलाप का मेला हो या कंतित शरीफ का उर्स। परवेज खान दोनों ही जगह दिल खोल के योगदान देते हैं और
बराबर मान सम्मान पाते हैं। इनके स्वच्छ छवि का क्या कहना, क्षेत्र शहरी हो या ग्रामीण, हर जगह के लोगों में इनकी सादगी और शालीनता के चर्चे हैं। बीएसपी में बहुत दिनों के बाद ऐसा साफ सुथरा प्रत्याशी मिला है हमको नगर में, जो जितने भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं जिनकी छवि बिल्कुल आपराधिक है, ये लोग जो है उस जनता के दुखों से जल्दी जुड़ नहीं पाए। जो प्रत्याशी जुड़ा है वो वोटरों में, हमारा जो कार्ड था गरीबों का, वो गरीबों का कार्ड का इन लोगों ने काट दिया बिल्कुल। जहाँ 7 यूनिट था वहाँ 2 यूनिट कर दिया। लोग भूखों मर रहे हैं, गरीब, उनको राशन नहीं मिल रहा है। ये सबको अपना प्रजा समझ के बात करते हैं, परवेज भाई उनको अपना भाई समझ के बात करते हैं। आने वाले चुनाव में मिर्जापुर शहर व ग्रामीण लोगों की समस्या को ध्यान में रखते हुए जनता से परवेज खान ने वादा किया है कि इतनी बड़ी प्राकृतिक संपदा एवं औद्योगिक नगरी के रूप में ख्याति पाने के बावजूद मिर्जापुर में एक भी उच्च शिक्षा संस्थान नहीं है, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या तकनीकी क्षेत्र में। इस बात को गंभीरता से ध्यान में रखते हुए उच्च शिक्षण संस्थान का निर्माण कराया जाएगा। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जहां ये शहर, ये मिर्जापुर जनपद हिंदुस्तान के टॉप 10 इंडस्ट्रियल एरिया के नाम से जाना जाता था, यहां उद्योग बहुत चरम पे था, लेकिन आज मिर्जापुर अपनी पहचान खोता जा रहा है। मिर्जापुर को लोग, जहां दुनिया में लोग जानते थे, आज प्रदेश में नहीं जान रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी वजह मुझे जो समझ में आती है कि आज़ादी के बाद जितने भी चुनाव हुए, जितने भी नेता चुने गए, उन्होंने मिर्जापुर के लिए नहीं सोचा बल्कि अपने लिए ज़्यादा सोचा। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि मिर्जापुर से जब भी कोई MLA MP हुआ, सिर्फ MLA नहीं हुआ बल्कि मंत्री हुआ, कैबिनेट मंत्री हुए। अब मैं आपको बता दूं कि मिर्जापुर से श्री राजनाथ सिंह साहब यहीं के रहने वाले हैं, यहीं से उन्होंने अपनी पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत की। वो चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन उसके बावजूद भी मिर्जापुर दिन पर दिन पीछे जा रहा है। आप देखें कि जितनी भी मूलभूत ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं है। आज मूलभूत समस्याएँ वैसे ही की वैसी बनी हुई है। आज़ादी से पहले जो हमारे देश का नारा था रोटी कपड़ा और मकान, मिर्जापुर आज उसको लेकर के सफ़र कर रहा है। तो मैं इसकी वजह सिर्फ एक मानता हूँ कि यहाँ जो पॉलिटिकल लोग हैं, जिनकी जिम्मेदारी रही मिर्जापुर को आगे ले जाने की, उन्होंने मिर्जापुर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। बाबुरा से मिर्जापुर के कंपनी घाट तक हो रहे गंगा कटान को रोकने का सार्थक प्रयास किया जाएगा। 96,000 एकड़ की उपजाऊ भूमि पर सिंचाई के ठोस और कारगर उपाय खोजे जाएंगे। मिर्जापुर रोडवेज पर यात्रियों और बसों के लिए रोड तथा बरसात में होने वाले जल जमाव से निजात दिलाना प्राथमिकता में होगा। इस इमारत को वर्ष 2012 तक तैयार होना था, जो आज भी अधूरी पड़ी है। 96 आंशिक रे अर्जुनपुर लिफ्ट कैनाल का पानी सुगमता से टेल तक पहुंचे को प्राथमिकता देते हुए नहर तटबंध मजबूत किया जाएगा। शिकायत है कि अक्सर नंदनी रे पास तटबंध टूट जाता है और सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न होकर खराब हो जाती है। हमारी सरकार फिर से मानक के अनुसार सड़क निर्माण कार्य कराएगी। मिर्जापुर औराई व गोपीगंज मार्ग में जनता को आवाजाही में काफी परेशानी हुई है, जिसको ध्यान में रखते हुए जर्जर पड़ी सड़क का निर्माण सत्ता में आते ही कराया जाएगा। NH 76 की भी दशा खराब है, इस सड़क का भी निर्माण कार्य होगा। गलियों और चौराहों पर तार के मकड़ जाल को तुरंत सही कराया जाएगा। खराब पड़े बिजली के पोल का नवीकरण होगा। स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। हर एक सरकारी योजनाओं से जनता को रूबरू कराया जाएगा। पिछली सरकार में मिर्जापुर विकास में पिछड़ा रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए
मोहम्मद परवेज खान अपने विधानसभा सीट में चौमुखी विकास की बहार लाएंगे। इसी सोच के साथ मिर्जापुर के अवाम, मिर्जापुर की जनता मोहम्मद परवेज खान को अपना नेता बनाना चाहती है।